पहले मैं आपको दिखा दूं, ये वो तस्वीरें हैं जो मैं इस वीडियो को बनाने के लिए यूज़ करूँगा। सबसे पहले आपने यहाँ से गूगल खोला है कोडेक्स एआई, उसके बाद आपके पास यहाँ पर जो फर्स्ट लिंक आ रहा होगा आपने यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा, आप यहाँ से स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होगा आपके पास स्टार्ट यूजिंग कोडेक्स, तो आप इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा, यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ आ रहा होगा कोडेक्स जावा स्क्रिप्ट सैंडबॉक्स, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा, मैं यहाँ से इन दोनों को हटा लेता हूँ। उसके बाद सबसे पहले आपने यहाँ पर लिखना है जी, तो उसके बाद सबसे पहले आपने यहाँ पर ये लिखना है, ये मेरी बैकग्राउंड की तस्वीर का लिंक है जो मुझे बैकग्राउंड पर लगानी है। यहाँ से मैं इस एरो पर क्लिक करूँगा तो देखिए ये खुद ब खुद कोड लिख रहा है। उसके बाद हम दोबारा से यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं टाइप करूँगा, और उसके बाद मैं यहाँ पर टाइप करूँगा, और ये लिंक जो है ये मेरी स्पेसशिप का लिंक है। ये सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा नीचे। तो उसके बाद मैं दोबारा इस एरो पर क्लिक करता हूँ तो देखें ये दोबारा से यहाँ पर कोड लिखना शुरू हो गया है। तो देखें ये हमारी स्पेसशिप भी यहाँ पर आ चुकी है। अब हमें इस स्पेसशिप को थोड़ा छोटा करना है तो हम यहाँ पर टाइप करते हैं, तो हमने यहाँ पर इसका 10% साइज रख दिया है। आपकी मर्ज़ी, आप कितना भी साइज़ रख सकते हैं, और आप इस स्पेसशिप की जगह कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं दोबारा यहाँ से एरो पर क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पर मेरी स्पेसशिप का साइज 10% हो चुका है। मैं इसको थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ, मैं यहाँ से इसको 5% कर देता हूँ। तो अब हम इस स्पेसशिप को यहाँ पर बॉटम पर ले आते हैं। तो इसको यहाँ पर बॉटम पर लाने के लिए हम यहाँ पर टाइप करेंगे और फिर हम यहाँ पर दोबारा एरो पे क्लिक करेंगे तो आप देखें ये हमारी यहाँ बॉटम पर आ चुकी है। अब हम चाहते हैं कि ये स्पेसशिप हमारी माउस के साथ मूव हो, तो उसके लिए हम दोबारा यहाँ पर टाइप करेंगे। अब मैं दोबारा यहाँ पर एरो पे क्लिक करता हूँ तो देखें ये दोबारा से कोड लिखना शुरू हो चुका है। तो अब देखें यह स्पेसशिप जो है हमारे माउस के साथ मूव कर रही है। तो अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं स्पेस बार दबाऊँ तो ये स्पेसशिप जो है ये फायरिंग करे। तो फायरिंग करने के लिए हम यहाँ पर वापस आएंगे, यहाँ पर हम टाइप करेंगे। उसके बाद आप ये देख सकते हैं ये मेरी बुलेट इमेज जो थी उसका लिंक है। उसके बाद हम दोबारा से यहाँ पर एरो पे क्लिक करेंगे तो देखें ये दोबारा से कोड जनरेट कर रहा है। अब देखें मैं आपको दिखाता हूँ ये, तो आप देखें जैसे ही मैं स्पेस पर दबा रहा हूँ तो ये स्पेसशिप जो है मेरी जो इमेज थी बुलेट की इमेज उसे फायर कर रहा है जी। तो अब हम यहाँ पर अपने एनिमीज लेकर आ जाते हैं। एनिमीज लेकर आने के लिए हम यहाँ पर दोबारा से टाइप करेंगे तो देखें ये लिंक जो है ये मेरी एनिमी की इमेज का लिंक है। उसके बाद मैं यहाँ से दोबारा से एरो पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद हम दोबारा एरो पे क्लिक करेंगे तो मैं गेम पे वापस क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हर 4 सेकंड के बाद एक एनिमी ऊपर से गिर रहा है। इसकी स्पीड बहुत तेज है, इसकी स्पीड स्लो करने के लिए मैं यहाँ से कोड पे क्लिक करता हूँ, इसे मैं एडिट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जो 10 लिखा हुआ है मैं इसको 1 कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि इसकी स्पीड स्लो हो चुकी है, पर अब भी ये मेरी गोलियों पर अब भी इससे ब्लड फायर हो रही है, इससे ये डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा। तो इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये जो तेज से अभी गिरता हुआ नजर आ रहा है ये हमारा पुराना कोड है, ये इसने अभी मॉडिफाई नहीं किया है। पर आप अभी इसकी फिक्र ना करें, ये इस कोड के अंदर शामिल नहीं है। जब आप इस कोड को सेव करेंगे तब ये ऐसे नहीं होगा। तो अब हम चाहते हैं कि ये एनिमी और हमारी स्पेसशिप की बुलेट की जो इमेज है जैसे ही वो आपस में ओवरलैप हो तो वो दोनों ही गायब हो जाए। तो उसके लिए अब हमें यहाँ पर दोबारा से टाइप करेंगे, हमें इसमें ऐड करनी पड़ेगी कोलिजन डिटेक्शन। के बाद हम यहाँ पर दोबारा से एरो क्लिक करेंगे तो जैसे ही एनिमी और बुलेट की इमेज जो है आपस में ओवरलैप होगी तो वहां पे हमारा स्कोर भी प्लस प्लस होगा। तो देखिए इसने अपने यहाँ पर कोड कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए जैसे ही ये दो इमेज आपस में ओवरलैप हो रही हैं तो एनिमी और बुलेट की इमेज जो है वो गायब हो जा रही है और हमारा स्कोर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद हमने क्या करना है, हम यहाँ से टॉप पर आएंगे और हमने इस पूरे कोड को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। उससे पहले मैंने आपके लिए यहाँ पर फोल्डर खोल के रखा है पहले। उसके बाद हम यहाँ से इसको यहाँ से कॉपी करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने आपके लिए टैब खोलकर पहले ही रखा है। इसको कॉपी करने से पहले आप यहाँ पर न्यू टैब पर आएंगे और आप लिखेंगे HTML बॉयलर, सर्च करेंगे HTML बॉयलर प्लेट। यहाँ पर आपके पास जो फर्स्ट लिंक आ रहा होगा आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा, आप यहाँ से इसको स्क्रॉल डाउन करें
और यहाँ पर आपको ये कोड मिलेगा, आप इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लें जी। तो इस कोड को कॉपी करने के बाद आप अपने वीएस कोड पर आएंगे, और वीएस कोड पर आने के बाद आप यहाँ से फाइल पर आएंगे और न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे मैं फाइल बनाता हूँ गेम डॉट एच टी एम एल। उसके बाद मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, और मैंने जो एच टी एम एल की बॉयलर प्लेट यहाँ से कॉपी करी थी यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद हम वापस अपने गूगल पर जाएंगे और यहाँ से अपना कोडेक्स खोलेंगे। मैं यहाँ से वापस से कोड कॉपी कर लेता हूँ, और मैं ये स्क्रिप्ट जो है यहाँ से ये मिटाऊंगा इसे, और यहाँ पर आकर मैं इसे एंटर प्रेस करूँगा, यहाँ पर मैं अपने कोड को पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद आपने एक्सटेंशन पर आना है, और यहाँ पर आपने सर्च करना है लाइव सर्वर। उसके बाद आपके पास जो यहाँ पर फर्स्ट एक्सटेंशन आई होगी उसे आप डाउनलोड कर लेंगे, मेरे पास ये पहले से डाउनलोड है। उसके बाद हम वापस अपनी फाइल पर चलते हैं, यहाँ पर आप जब राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा ओपन विद लाइव सर्वर का, आप इस पर क्लिक करेंगे। ये मुझे कह रहा है कि ये आपकी फाइल जो है ये सेव नहीं है, मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। फाइल को सेव कर लेते हैं, मैं वापस अपने डेस्कटॉप पर जाता हूँ, तो देखें ये हमारा फाइल सेव हो चुकी है। मैं इस पर डबल टैप करता हूँ, तो देखें ये जो हमारा गेम है कितना स्मूथ चल रहा है। अब इस गेम में साउंड डालने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको क्रॉस करता हूँ ऊपर से, गूगल खोलता हूँ। ये वेबसाइट मैंने आप लोगों के लिए पहले से ही खोल कर रखी हुई है। अब इस वेबसाइट पर आकर यहाँ पे मैंने देखें सर्च किया है बॉम्ब, तो देखें यहाँ पे मैंने सर्च किया है बॉम्ब। तो जो साउंड आपको अच्छी लगे आप वो साउंड यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। देखें जैसे आप कोशिश करें कि साउंड जो है वो 3 से 1 सेकंड की हो, जैसे मैं आपको ये सुनाता हूँ। तो मैंने जो है वो साउंड पहले से डाउनलोड करके रख रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये दो फाइल्स हैं, आप वापस से वीएस कोड खोलेंगे अपना जी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर अपेंड चाइल्ड बुलेट के बाद यहाँ पर आप एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पर आपने एक न्यू वेरिएबल बनाना है। मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया है फायरिंग के नाम का, और उसके अंदर मैंने ये फायरिंग की ऑडियो ऐड करी है। उसके बाद हम दोबारा से यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है रिमूव चाइल्ड बुलेट। उसके बाद आपने यहाँ पर दोबारा से एंटर प्रेस करना है। मैंने ऊपर वाला कोड कॉपी कर रखा है, तो मैं इसे यहाँ पर दोबारा से पेस्ट करूँगा, और यहाँ पर फायरिंग की जगह मैं लिखूंगा डिस्ट्रॉय, यहाँ पर भी मैं चेंज कर लेता हूँ इसे। उसके बाद मैं यहाँ से दोबारा से कोड सेव कर लेता हूँ, मैं वापस अपने डेस्कटॉप पे जाता हूँ और इसे रन करके देखता हूँ कि कैसा लग रहा है।